रिजल्ट तो बिगड़ेंगे जी जब महंगी होगी। जब आम आदमी कहाँ कहाँ अपने आप को स्टेबल करेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। इस वक्त आज हम आप पहुंचे हैं गाजीपुर सब्जी मंडी, क्योंकि लगातार देखिए सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से जो लोग हैं वो बेहद परेशान हैं। इसका पूरा का पूरा जो असर है उनके घर के बजट पर पड़ा है, खासतौर पर किचन का जो बजट है उस पर इसका असर देखने को मिल रहा है। और वजहें बताई जा रही हैं, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है। इससे पहले अगस्त तक बारिश जरूर होती थी, लेकिन इस साल बारिश ने अपना नया रिकॉर्ड कायम किया है, नया रिकॉर्ड बनाया है, जिसकी वजह से जो सब्जियों की फसलें थी वो बर्बाद हो चुकी है, और उसी की वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हम अलग अलग राज्यों की तस्वीर आपको दिखाएंगे, अलग अलग जगह की सब्जी मंडियों की तस्वीर आपको दिखाएंगे कि हर जगह क्या हाल इस वक्त है। हमारे तमाम सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, और हम खुद इस वक्त गाजीपुर सब्जी मंडी आप पहुंचे हैं, क्योंकि लोग बेहद परेशान हैं। जो सब्जियां एक हफ्ते 10 दिन पहले तक 10-20 रुपए किलो बिकती थी, वो आज 60 रुपए और 80 रुपए किलो बिक रही हैं। और दो सब्जी मंडियों की तस्वीरें हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से अब लगातार कीमतें धीरे धीरे बढ़ती जा रही हैं। लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर वो खाएं तो क्या खाएं। टमाटर के भाव बढ़ रहे हैं, प्याज के भाव बढ़ते जा रहे हैं। और आजादपुर सब्जी मंडी है जहाँ की तस्वीर आप देख रहे हैं, लगातार जो सब्जियों के रेट हैं वो आसमान छूते जा रहे हैं। दो तस्वीरें हैं आजादपुर सब्जी मंडी की और झील सब्जी मंडी दिल्ली की। दिल्ली में किस तरीके से सब्जियों के रेट बढ़ रहे हैं और लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, उसी की ये दो तस्वीरें आप देखिए। लोग सब्जी मंडी तक जरूर पहुंच रहे हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि आखिर कितने किलो सब्जी ले जाएं। हाल ये है कि कई लोग पाव भर सब्जी ले जाने को मजबूर हैं, क्योंकि सब्जियों के दाम अब आसमान छूने लगे हैं, और जिसका सीधा सीधा असर लोगों की जेबों पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लोग बेहद परेशान हैं, क्योंकि घर का पूरा बजट हिल चुका है। दिल्ली के आजादपुर सब्जी मंडी में इस वक्त हम मौजूद हैं, जो कि एक थोक मंडी है। जिस तरीके से सब्जियों के दाम बढ़े हुए हैं, तो ऐसे में आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि आजादपुर सब्जी मंडी का क्या हाल है, यहाँ क्या दाम चल रहा है। सबसे पहले बात टमाटर की, क्योंकि इस वक्त सबसे ज्यादा मारामारी जो है वो टमाटर और प्याज को लेकर यहाँ दिख रही है। दो क्वालिटी के यहाँ पर टमाटर है। दुकानदार से आते भैया क्या चल रहा है अभी दाम? महंगाई चल रहा है। मतलब कितना धड़ी कितनी चल रही है? 300 रुपए। 300 रुपए धड़ी चल रही है। और इस वाले की यही चल रही है, 10-20 कम दी वैसी। अच्छा, तो 300 रुपए धड़ी, यानी कि 60 रुपए तकरीबन, 60 रुपीज किलो बता रहे हैं कि यहाँ पर फिलहाल टमाटर चल रहा है। अच्छा, कारण क्या है, क्यों ये महंगे हुए हैं? कारण माल बहुत कम आ रहा, फसल कम है, चक्कर में फसल कम। असल में जो बारिश हुई उसके बाद टमाटर और प्याज का जो है सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, और उस वजह से जो फिलहाल दाम है वो बड़े हुए दिख रहे हैं। क्योंकि हम थोक मंडी की बात कर रहे हैं, जहां पर अगर 60 रुपए के टमाटर मिल रहे हैं तो आप रिटेल में अंदाजा लगाइए कितने के मिल रहे होंगे। भैया प्याज का क्या प्राइस चल रहा है? 40 रुपए केजी। 40 रुपए केजी थड़ी, मतलब 200 रुपए। 200 रुपए की थड़ी, यानी कि 5 किलो जो है वो 200 रुपए के, यानी कि 40 रुपए का प्राइस प्याज का भी चल रहा है। और ये क्वालिटी की अगर हम बात करें तो बेहतर क्वालिटी की नहीं है। एक और शख्स यहाँ पर हमें दिख रहे हैं जो लौकी बेचते हुए भी नजर आ रहे हैं। अंकल, दाम बढ़े हैं क्या सब्जियों के? हाँ, सब्जी के दाम तो बढ़े। लौकी के क्या है? ये 30 रुपए किलो बिक रही है। अच्छा, और पिछले महीने कितने थे तकरीबन? 20 रुपए किलो। 20 रुपए। तो क्या लग रहा है ये इनके दाम क्यों बढ़े हैं? अरे पीछे पानी वानी आया ना बरसात से, वो बारिश की वजह से। तो बारिश की वजह से ही ये बता रहे हैं। तो ऐसे में ना सिर्फ टमाटर, प्याज, लौकी, जो जो चीजें आपको नजर आ रही है बाजार में, ऐसे कोई सब्जी नहीं है जिसको सोचे आप कि ये सस्ती है, इसे घर ले जाया जा सकता है या खरीदा जा सकता है। अब सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए कि आम आदमी जो मिडिल क्लास है उसके लिए ज़्यादा भार है। अमीर आदमी तो अमीर ही हो रहता है, उसको कोई फर्क नहीं है। एक बीच का या काम नहीं है आजकल के हालात में। कोरोना वायरस जब से आया है तो लोग अभी उठे नहीं हैं अपने उससे। तो हम चाहते हैं सरकार से यही अनुरोध है कि इस चीज़ों पर ध्यान दें। हाँ जी, थोड़ा बहुत तो मतलब इफेक्टिंग करता है नॉर्मल, एक्चुअली बिजनेस लाइफ पे भी इफेक्ट हो रहा है। कोई चीज़ आती है ना नॉर्मल, जैसे पर्सन अगर नॉर्मल सैलरी क्लास है वो तो चलेगा, नॉर्मल दे आर मूविंग ऑन, बट नॉर्मल जो बिजनेस क्लास है उनको बहुत इफेक्ट कर रहा है। लिमिटेड चीज़ यूज़ कर रहे हैं कि जो चाहिए, वरना पहले एक्स्ट्रा ले लेते थे थोड़ा सा।
तो देखा आपने आखिर आजादपुर सब्जी मंडी का क्या हाल है। और इस वक्त मेरे तीन सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, अलग अलग राज्यों की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, अलग अलग सब्जी मंडियों की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। आजादपुर सब्जी मंडी दिल्ली से प्रियंका कांडपाल मेरे साथ लाइव है, और झील सब्जी मंडी से दिल्ली से दीपक बिष्ट मेरे साथ लाइव है, दीपक रावत, और साथ साथ बिट्टन मार्केट भोपाल से मनोज शर्मा मेरे साथ लाइव है। पहले चलेंगे आजादपुर सब्जी मंडी दिल्ली जहाँ का नजारा। से पहले आपने देखा प्रियंका कांडपाल मेरी सहयोगी वहां पर मौजूद है। प्रियंका, तस्वीरें दिखाइए, लोगों को किस तरीके से परेशानी हो रही है दिखाइए एक बार। जी बिल्कुल, ये आप थोक मंडी की तस्वीरें देख रहे हैं। थोक मंडी के बाहर ही जो खुले में सब्जियां बेचते हैं, ये वो तस्वीरें हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे कि टमाटर सबसे पहले आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, तो ये 250 रुपए की धड़ी है। ये टमाटर हाइब्रिड टमाटर है, इस वजह से सस्ते हैं। जो देसी टमाटर है वो 80 रुपए तक के मिल रहे हैं। जो शख्स यहाँ खरीद रहे हैं उनसे पूछते हो, भैया कुछ महंगे हुए हैं टमाटर? टमाटर बहुत महंगे हैं। अच्छा, तो पहले कितने के ले जा रहे थे? पहले 100 रुपए धड़ी ले जा रहे थे, आज ले जा रहे 300 रुपए धड़ी ले जा रहे हैं। 300 रुपए धड़ी कह रहे हैं, पहले 100 रुपए धड़ी ले जा रहे थे यानी कि 20 रुपए किलो थे, और अब 300 रुपए धड़ी ले जा रहे हैं यानी कि 5 किलो 300 रुपए के ले जा रहे हैं, 60 रुपए किलो हो गए। आप प्याज की अगर बात करें तो 60 से 80 रुपए किलो आजादपुर में मिल रही है। आप छोटी लौकियां देख रहे हैं, बेबी बॉटल गार्ड जिन्हें कहा जाता है, ये 150 रुपए धड़ी यहां पर मिल रही है। बैंगन कैसे दे रहे हैं? 200 रुपए धड़ी। ये बैंगन का प्राइस आप देख रहे हैं, 200 रुपए धड़ी। धड़ी का मतलब 5 किलो से होता है, तो ये आप देख रहे हैं बैंगन यहाँ पर 200 रुपए धड़ी यानी कि 40 रुपए किलो बैंगन मिल रहा है। इसी तरीके से आप किसी भी सब्जी का, आप बीन्स की अगर बात करेंगे तो 60 रुपए केजी के लगभग बीन्स मिल रहा है। शिमला मिर्च के प्राइसेस तो 70 से 100 तक आजादपुर मंडी में जा रहे हैं। ऐसे में आप सोचिए कि जब यहाँ से ये तमाम सामान रिटेल में जाएगा तो 20-30 रुपए की बढ़ोतरी तो वैसे ही लाजमी है। तो जाहिर तौर पर अगर होलसेल मार्केट की बात करें तो वहीं पर दामों में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी है, और इसी का नतीजा ये है कि झील मंडी जैसे जहाँ पर हमारे सहयोगी हैं वो भी बता रहे हैं कि एक महीने में 3 गुने दाम बढ़े हुए नजर आ रहे हैं। जी जी शिवानी, बिल्कुल प्रियंका, बिल्कुल। यानी देखिए किस तरीके से रेट लगातार बढ़ रहे हैं और लोगों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये आजादपुर की मंडी थी जहां प्रियंका मौजूद थी, और झील मंडी से भी मेरे सहयोगी दीपक रावत ने वहां पर जायजा लिया किस तरीके से वहां पर जो रेट है सब्जियों के वो बढ़ गए हैं और जो लोग हैं कितने परेशान हैं देखिए। सब्जियों के दामों की अगर बात करें तो पिछले एक महीने में सब्जियों के दामों में काफ़ी ज़्यादा अंतर आया है, 2 से 3 गुना सब्जियों के दाम बढ़े हैं। इसके पीछे कई वजह हैं, लेकिन सबसे बड़ी वजह ये बताई जा रही है कि जो मॉनसून की बारिश हुई है उसने कई फसलें खराब कर दी। ऐसे में अब जो सब्जियां पहुंच रही हैं बाज़ारों तक वो काफ़ी ज़्यादा कीमतों में पहुंच रही हैं, जिसने आम लोगों का बजट बिगाड़ दिया है। इस वक्त पूर्वी दिल्ली की झील सब्जी मंडी में हम लोग मौजूद हैं, रिटेल सब्जी मंडी है, और रिटेल सब्जी मंडी में हम इसलिए आए हैं क्योंकि रोज़मर्रा आप सब्जियां जिस मार्केट से लेते हैं वो दरअसल रिटेल सब्जी मंडी ही होती है, लेकिन रिटेल सब्जी मंडी में भी जो दाम हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं। टमाटर की बात करें तो इसमें काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ है, करीबन 60 से 70 रुपए किलो के आसपास से टमाटर इस वक्त बिक रहा है। प्याज की अगर बात करें तो प्याज की कीमत भी 25-30 रुपए से बढ़कर 50 से 60 रुपए के आसपास पहुंच गई है। शिमला मिर्च तो 100 रुपए प्रति किलो के हिसाब से अब रिटेल सब्जी मंडी में बिक रहा है। तो मुश्किलें जो हैं वो लोगों की लगातार बढ़ती जा रही हैं, और लोग ये मांग कर रहे हैं कि इन दामों पर थोड़ा सा फ़र्क आए ताकि परेशानी जो है वो लोगों की कम हो सके। तो देखा आपने झील मंडी का क्या हाल है, किस तरीके से लोग वहां पर परेशान हैं, और दीपक रावत इस वक्त मेरे सहयोगी झील मंडी से ही मेरे साथ जुड़ भी गए हैं। दीपक, एक बार तस्वीरें दिखाइए किस तरीके से लोगों की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं क्योंकि बजट पर असर पड़ा है। साफ तौर पर असर तो पड़ा ही है, और असर ऐसे भी देखने को मिल रहा है कि अक्सर जिस मंडी में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है उस मंडी में आपको गिने चुने लोग ही नज़र आएंगे, और ये लोग भी सब्जियां उस मात्रा में नहीं खरीदते हैं जिस मात्रा में आमतौर पर खरीदते थे, क्योंकि महीने भर का जो अंतर है वो काफ़ी ज़्यादा अंतर है। और ऐसे में लोगों से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कितना उनको महंगाई ने परेशान किया, क्योंकि हर चीज़ के दाम बढ़े हैं और कुछ लोग सब्जियाँ लेने आए। कितना अंतर आप देख रही हैं, कितनी सब्जियों के रेट बढ़ गए हैं एक महीने में? बहुत महंगी हो गई। 150 रुपए का आ गया साग। अच्छा, पहले कितने का आता था इस साग? पहले तो सस्ता था, अब जो महंगा हो गया। हर चीज डबल की डबल काम हो जाता है, अब 150 रुपए में हो रहा है। डबल का डबल है, 40 रुपए में काम होता था, अब 150 रुपए में हो रहा है। डबल का डबल है, साग नवा नवा चल गया। कितना कितना फर्क आया आप बता रही थी, कितना महंगा हो गया? ज़्यादा ही आ गया, महंगा, बहुत महंगा हो गया। बहुत महंगा हो गया। कम सब्जियां ले जा रही हैं? हम
तो यही ले जा रहे जी, पालक साग साग कितना महंगा हो रहा है, ये थोड़ा सस्ता है इसलिए इसको ले जाते हैं। नहीं अब ये ज्यादा महंगा, कितना फर्क आया? फर्क तो है, अभी महंगाई सारे मुंबई वाली कम ले जा रहे हैं। हाँ कम ले जा रहे हैं। मैम आप बताइए कितना फर्क आया सब्जियों में दामों में? बहुत महंगी हो रही है सब्जियाँ तो, महंगी हो रही है। और क्या तो कमी ले जा रही है आप, लग रहा है थैला छोटा कर दिया आपने। बिल्कुल, और क्या कहते हैं, थैला ही खाओ, पहले बड़ा थैला लाती है छोटा ले जा रही है। हाँ जी, तो ये परेशानी है, देखिए कि थैला भी अब छोटा होता जा रहा है और लोग परेशान बहुत हैं। बिल्कुल दीपक, यानी देखिए किस तरीके से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। झोला तो काफी बड़ा रहता है लेकिन उसमें सब्जियों की जो संख्या है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। दिल्ली का हमने आपको हाल दिखा दिया और कुछ ऐसा ही हाल मुंबई की सब्जी मंडियों का भी है। वहां पर किस तरीके से लोग परेशान हैं वो एक बार देखिए, क्योंकि लगातार जो सब्जियां कुछ दिन पहले तक काफी सस्ती बिकती थी, लोग झोले भर भर कर ले जाते थे, और अब उनके झोलों का क्या हाल हो गया है, लोग किस तरह से परेशान है, उनके घर का बजट, किचन का बजट किस तरीके से हिल गया है, देखिए। जिस तरीके से सब्जियों के दाम बढ़े हैं, मैं इस समय बोरीवली के मार्केट में हूं, यहां पे तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, भीड़ आपको दिखाई पड़ रही है कि किस तरीके से लोग सुबह सुबह सब्जियां खरीदने के लिए आए हैं ताकि उन्हें कुछ सब्जियां सस्ती मिल जाए, क्योंकि लगातार सब्जियां महंगी होती जा रही हैं। बारिश की वजह से ये पूरा बुरा हाल हुआ है और इसलिए ये तमाम सारे लोग जो आए हैं उनसे हम पूछते हैं। जैसे टमाटर है, टमाटर कैसे दिए भैया? टमाटर 50 रुपया किलो, 60 रुपया किलो, 50 रुपया 60 रुपया किलो। और कैसे प्याज कैसे दिए, प्याज और धनिया? प्याज 20 रुपया है एक गड्डी है, धनिया 70 रुपया गड्डी है। 70 रुपया गड्डी है? हाँ। पालक 60 रुपया गड्डी है, पुदीना 15 रुपया गड्डी है। जैसे पेट्रोल का भाव बढ़ गया। बिल्कुल, आप सब्जी खरीदने के लिए आए हैं? कैसे, बजट बिगड़ गया है आपका कि अभी नॉर्मल है? नहीं नहीं, अभी नॉर्मल नहीं है, अभी तो महंगा है, धनिया और पुदीना सब महंगा है, सब सब्जी भी। इस पूरे मार्केट में आप इस तरफ देखिए कि अगर दूसरी सब्जियों के भी दाम अगर पूछे तो अमूमन वही हाल है जिस तरीके से अभी आप देख रहे हैं। यहाँ पर तमाम सारे जो दूसरे सब्जी, भाई आदि कैसे दिए, अदरक कैसे दिए? अदरक नहीं है, हल्दी है। हल्दी कैसे दिए? हल्दी मेरा नहीं है। 10 रुपया पाव, 10 रुपया पाव यानी 40 रुपया। कैसे दिए भाई, कोहणा कैसे दिए? 20 रुपया किलो, 20 रुपया किलो कोहणा, 20 रुपया किलो है। मटर 120 रुपया किलो, मटर 120 रुपया किलो है। अमूमन यही हाल, देखिए यहाँ पर आप चारों तरफ जहाँ देखिए वही हाल है कि पहले अमूमन आप सब्जी खरीदने के लिए आए हैं, क्या पहले से कितना रेट में इजाफा देख रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? पहले से कितना रेट में इजाफा देख रहे हैं, कितना महंगा है? महंगा है, बहुत महंगा है। तो देखा आपने किस तरीके से लोगों के जेब पर भारी पड़ रहा है सब्जियों का रेट। झोला काफी बड़ा बड़ा लोग ले जाते हैं लेकिन उसमें सब्जियों की संख्या बेहद कम हो चुकी है, और इस पर क्या कहना है आखिर कांग्रेस का, एक बार वो भी आपको सुना देते हैं, सुनिए। त्योहारों का मौसम है, नवरात्रि चल रही है, दशहरा आ रहा है, सब्जियों की कीमत बेतहाशा बढ़ती चली जा रही है। पेट्रोल डीजल, खाने का तेल, रसोई गैस, इन सब के दामों की चर्चा तो हम आपसे लगातार करते हैं लेकिन आजकल जो कीमतें सब्जियों की आसमान छू रही हैं उस पर सरकार लगाम लगाने में बिल्कुल नाकामयाब रही। पहले लोग कहते थे कि महंगाई आसमान छू रही है, आज अगर कहीं आसमान से भी ऊंची जगह है तो महंगाई आसमान के उस पार निकल रही है। और सबसे दुख की बात यह है कि सरकार बिल्कुल ही निष्ठुर बनी हुई है, निर्दयी बनी हुई है। पेट्रोल डीजल के ही दाम कम कर दें तो उससे ही लोगों को बहुत राहत मिलेगा, सब्जियों के दाम कम हो जाएंगे, दाल की कीमतें कम हो जाएगी, तेल की कीमतें कम हो जाएंगी और लोगों को राहत मिलेगा। तो विपक्ष का क्या कहना है, कांग्रेस का क्या कहना है, ये भी आपने सुन लिया, और अलग अलग राज्यों की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग सब्जी मंडियों में है। बिट्टन मार्केट भोपाल से मनोज शर्मा मेरे सहयोगी मेरे साथ मौजूद है, मनोज के पास सीधे चलेंगे। मनोज, क्या हाल है बिट्टन मार्केट का, क्या कह रहे हैं लोग? लोग सब्जी की दुकानों पर, देखिए हालत क्या है कि सब्जी की दुकानों पर लोग आते हैं, कीमत पूछते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। अमूमन महंगे महंगे जो मॉल होते हैं उनमें जब महंगी दुकानों पर लोग पहुंचते हैं तो विंडो शॉपिंग करते हैं, तो हालात नौबत ये आ रही है कि सब्जी की भी विंडो शॉपिंग करने की नौबत अब आ गई है। लोग मेरे सामने अभी कई लोग यहाँ पर आए, आप तो सब्जी की दुकान पर भी लोग विंडो शॉपिंग करके लौट रहे हैं। जी सर, आते हैं खरीदारी करने, आते रेट पूछ के चले आते हैं क्योंकि महंगाई बहुत है।
टमाटर लेकिन आप सब्जी बेच रहे हैं तो एक आपके ऊपर भी तो ये आरोप लग सकता है कि आपने कीमतें बढ़ा दी। जी सर, हम पे हर कस्टमर आके ये कहता है कि आप बहुत महंगा बेचते हो, आप इतना महंगा बेचते हो, अब क्या रेट इतना है, कल टमाटर 40 था 60 हो गया। अब हम लोग कस्टमर से कैसे बोले, कस्टमर सोचता है कि हम लोग महंगा दे रहे हैं, लेकिन वहाँ से जहाँ से आ रहा है ना वहीं से महंगा हो जाएगा तो हम लोग को मजबूरी में बेचने पड़ेगा। वजह क्या है? वजह सर यही है कि देखिए क्या होता है, आज जैसे भंडारे ज़्यादा होते हैं, नवमी है आज, बहुत ज़्यादा भंडार होता है, टमाटर की खपत ज़्यादा है आज। टमाटर आज लोबाग जैसे अपने एक क्विंटल खपत हो रहा तो 50 क्विंटल खपत हो रहा है, ज़्यादा ज़्यादा बिक्री के चक्कर में माल महंगा हो जाता है। तो मांग ज़्यादा है, आवक कम है, तो आप सब्जी मतलब क्या करेंगे, आप घर का बजट कैसे चलाएंगे? अब सरकार से तो यही निवेदन है हमारा है कि भैया मध्यम वर्ग के परिवार का भी ध्यान रखें, हर चीज़ की तो रेट बढ़ा के रखें आपने, अब जो निम्न वर्ग का है जिसकी कमाई इतनी नहीं वो कैसे पूर्ति करेगा इस चीज़ की, तो सरकार से मेरा तो बस ये निवेदन है हर वर्ग का ध्यान रखें। ऐसा नहीं है आप मंत्रियों की पेंशन ये सब तो आप कर रहे हैं, तो मध्यम वर्ग का बिल्कुल ध्यान नहीं रख रहे हैं, मध्यम वर्ग का ख्याल नहीं रख रहे हैं सरकार से गुजारिश करती हुई जनता, क्योंकि बगैर सब्जी के काम भी तो नहीं चलता। और यहाँ पर तमाम सब्जियों के दाम, भोपाल में आलू 25 रुपए किलो, टमाटर जो है वो 60 से 80 रुपए किलो, और जो धनिया पत्ती का तो मन ऐसा होता है कि धनिया पत्ती कहाँ गई आपकी, ये मतलब इन्होंने छुपा के रखी हुई है, जरा पीछे देखें तो धनिया पत्ती तो ऐसा लगता है कि सिर्फ सूंघकर काम चला लो, क्योंकि 200 रुपए की एक किलो धनिया पत्ती जब आप लेते हो, 20 रुपए देते हो, तो आपको 20 रुपए में कितनी आएगी, 100 ग्राम मतलब लगभग करीब इतनी, तो आप उसको थोड़ा सा लीजिए और धनिया पत्ती को घर ले जाकर दो चार पत्तियां ले जाइए और सूंघकर उसका जायका उसका आनंद लीजिए, 20 रुपए। जी मनोज बिल्कुल, यानी लोगों को तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है, और जो धनिया पत्ती लोग ऐसे ही कहते थे सब्जी लेते वक्त कि भैया थोड़ा सा रख देना, आज वो 200 रुपए किलो हो गई है, तो सोचिए सूंघकर ही बेशक काम चलाना पड़ेगा। लेकिन यही हाल छत्तीसगढ़ का भी है, वहां पर रायपुर में लोगों की क्या राय है, किस तरीके से वो परेशान है, क्योंकि लगातार जो सब्जियां इससे पहले 40 रुपए किलो कभी बिका करती थी, आज उनके जो दाम है वो 80 और 100 पार कर गए हैं। किस तरीके से लोग छत्तीसगढ़ के रायपुर में परेशान है एक बार देखिए। राजधानी रायपुर ही नहीं बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ में सब्जियों के दाम पर आग लगी हुई है। सब्जियों के दाम जिस तरीके से है उससे जो लोगों का जो स्वाद है वो ख़राब हो रहा है। राजधानी रायपुर का ये शास्त्री बाज़ार है, यहाँ पर बात करते हैं, और शास्त्री बाज़ार से भी ज़्यादा जो सब्जियों के दाम महंगी है वो ये है कि जो ठेले वाले हैं वो और आसपास के जो छोटे छोटे बाज़ार हैं वहाँ पर सब्जियाँ खासी महंगी है। सब्जियों के दाम क्या चल रहे हैं इसको लेकर हम बात करते हैं, सुरेखा साहू हमारे साथ मौजूद हैं। तुरई है 40 रुपये किलो, धारी तुरई और डोड़का तुरई है 50 रुपये किलो, थोक के रेट बता रही हूँ। चिल्हर में 60 रुपये है, धारी तुरई भी 60 रुपये है चिल्हर में। चिल्हर विक्रेता है उनका कहना है कि चूँकि महंगा ही खरीद के ला रहे हैं तो महंगा बेचना उनकी मजबूरी है, लेकिन दिक्कत यह है कि सब्जियां महंगी होती है तो लोग उतना नहीं खरीदते हैं, उतनी मात्रा में नहीं खरीदते हैं जितनी मात्रा में खरीदना चाहिए, और यही वजह है कि उसके चलते जो है उनकी सब्जियां पूरी तरह से बिक नहीं पाती है और ख़राब भी हो जाती हैं। लेकिन अभी जो मार्केट के तमाम जो सब्जी विक्रेता हैं वो यही बता रहे हैं कि फिलहाल सब्जियों के जो दाम है वो इतनी जल्दी कम नहीं होने वाले। कैमरा पर्सन राजीव के साथ ममता लांजीवा, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ रायपुर। तो अब छत्तीसगढ़ के रायपुर से सीधे आपको बिहार के पटना लिए चलते हैं, वहां पर क्या हाल है इस वक्त, लोग किस तरीके से परेशान हैं सब्जियों के रेट देखकर। वो अपने झोले लेकर सब्जी मंडी पहुंचते जरूर हैं, लेकिन झोले में जो सब्जी रहती है उसका जो भार है वो अब लगातार कम होता जा रहा है। किस तरीके से लोग बिहार में परेशान है देखिए। तो देखिए किस तरीके से लगातार लोगों की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, उनके बजट पर खासा असर देखने को मिल रहा है, और जो सब्जी वाले हैं उनका ये कहना है कि फसलों को नुकसान पहुंचा, लगातार बारिश हो रही थी जिसकी वजह से जो सब्जियों की फसलें थी वो बेकार हो गई, और उसी वजह से महंगाई, और त्यौहार का सीज़न भी है इस वजह से लगातार जो रेट हैं सब्जियों के वो बढ़ते हुए दिख रहे हैं, और यही वजह है कि लोगों के जेब पर अब इसका असर पड़ता हुआ दिख रहा है, लोगों के घर के बजट पर इसका असर पड़ता हुआ दिख रहा है। छत्तीसगढ़ की तस्वीर इससे पहले हमने आपको दिखाई, बिहार की भी तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि किस तरह वहां लोग परेशान हैं। अब चंडीगढ़ आपको लिए चलते हैं, चंडीगढ़ में भी सब्जियों का भाव ऐसा ही है, जहां पर कुछ हफ्ते पहले 10 दिन पहले तक 10 रुपए किलो सब्जी मिलती थी, 20 रुपए किलो सब्जी मिलती थी, आज उसका भाव 40 और 100 के पार कर गया है। किस तरह लोग परेशान हैं चंडीगढ़ में तस्वीरें आप देखिए, चंडीगढ़ में भी सब्जियों के आसमान छूते हुए दामों ने लोगों के घरों का बजट बिगाड़ दिया है, बढ़ गया है, जिससे उनकी जो मुसीबतें हैं और बढ़ गई हैं, और पिछले एक महीने से रोजमर्रा में लगने वाली सब्जियों के दाम दोगुने हो गए हैं।
हर चीज के दाम बढ़े हुए हैं, तो देखिए किस तरह लोग लगातार परेशान हैं और इन परेशानियों का आखिर किस तरह सुलझाया जाए, सबसे बड़ा सवाल यही है। क्योंकि लगातार पेट्रोल डीजल के भी दाम बढ़ रहे हैं, जिसका खासा असर सब्जियों के रेट में भी पड़ता हुआ दिख रहा है। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों की वजह से भी लोगों की जेब पर, उनके बजट पर बहुत ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। और सबसे बड़ा कारण ये भी